हम लोगों ने पूजा पाठ किया है और पूरी तरह से हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी जो हमारी सेना है, सब लोग, जितने हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी लोग, और जो हमारे गठबंधन के भी साथी हैं, जो हमारे एनडीए के साथी हैं, वो सब लोग आज जो है पूजा पाठ करके और पूरी तरह चुनावी इस रण में उतर चुके हैं और निश्चित रूप से इस बार हम लोग बड़ी विजय हासिल करेंगे। मुझे लगता है ये किसी के भी निधन पे दुख व्यक्त करना चाहिए और सबको करना चाहिए। हम भी दुख व्यक्त करते हैं, किसी भी परिवार में कोई ऐसी घटना होती है तो उस परिवार के साथ हमारी संवेदना है और हम भी दुख में उनके साथ हैं। और बाकी जो बाकी लोग राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है कम से कम ऐसे अवसर पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो तो जांच का विषय है, अगर उसकी जांच वो मांगे हैं तो जांच होगी। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, किसी की भी मौत हो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल जाता है कि आपके शरीर में जहर है या हृदय गति रुकने से हुई या क्यों हुआ है, तो वो जैसे आएगा उसमें पता चल जाएगा। विपक्ष भी रोना रो रहा है, स्वीट पॉइजन दिया गया है उसको, फिर विपक्ष को, तो अगर ऐसा होगा तो वो पता चल जाएगा, वो तो रिपोर्ट में आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे जो है विश्वविद्यालय बन रहा है, बन के शुरू हो गया, यहाँ संगीत विद्यालय बन रहा है, तो इसलिए हमने कहा कि जो धरती पे काम करता है वो धरती पुत्र मुलायम सिंह का उत्तराधिकारी हो सकता है, हवा में रहने वाला उनका उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि 22 में बसपा और भाजपा का गठबंधन हो गया था, हम मामूली हद से हार गए, इस बार तो हम लाखों से जीत रहे हैं। इस बार वो लाखों से हारेंगे क्योंकि धर्मेंद्र यादव जी 3 दिन के लिए आए थे और 300 दिन रहने वाला नेता से 3 दिन आ नेता नहीं लड़ पाएगा आजमगढ़ में। मुख्तार अंसारी की मौत पे बड़ा सियासत गरमा गई है, जांच की मांग हो रही है। बिल्कुल, जांच होने मरवा दिया ये कहा जा रहा है, उसकी जांच होगी और अपने आप सब कुछ पता चलेगा, क्योंकि आरोप लगाना किसी को भी है कि आरोप लगा सकता है, पर जब जांच होगी तो असलियत सामने आएगी। गाजीपुर से हैं तो क्या गरीबों का मसीहा उनको माना जा सकता है जैसे जो कहा जा रहा है? अब वो तो आप बोल सकते हैं, मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। क्या उनके क्या कहेंगे, किसके बारे में? मुख्तार अंसारी जी की जो, मैं क्या कह सकता हूँ, जिसके बारे में कानून कहेगा, जिसके बारे में कोर्ट तय करता है कि कोई व्यक्ति अपराध किया है या नहीं किया है, सजा भोग रहा है, तो ये कानून तय करेगा, हम कौन होते हैं बोलने वाले। चलिए, कस्टोडियल डेथ जो हो रही है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? वो अगर आप, मैं किसी व्यक्ति विशेष नहीं, 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 मैं ये कह रहा हूँ किसी भी विषय पे अगर किसी को कोई शक है, कोई डाउट है, तो उसकी जांच करा लीजिए, जांच करा के और मामला सामने आ जाएगा।